अष्टलक्ष्मी क्या है, पता है किसी को? व्हाट इज अष्टलक्ष्मी? धनलक्ष्मी वैभव हर एक, हाँ लक्ष्मी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हर एक स्टेट में ना अलग, हम हिंदुस्तानी में तो काफी स्टेट्स हैं, राइट? आप किसी और तरीके से करते हो, कोई और किसी और तरीके से करता है। सो बदन, पैसा सबको इक्वली चाहिए, वो भाषा सबको आती है ना? सबको लक्ष्मी मतलब समझ में आता है, करेक्ट? बट लक्ष्मी का ही जो वेरिएशन है वो बहुत लोगों को कम पता है, ठीक है? तो आज जो है, हम आपके यंत्र में अलोंग विद द मेडिटेशन हम अष्टलक्ष्मी का आवाहन करेंगे, ठीक है? आप सबका एक एक विश, मैंने बोला था एक विश कि रखा है ना आप लोगों ने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जितना हो सके हम सबकी देखो एनर्जी साथ में जुड़ेगी तभी वो विश फुलफिल होगा, ठीक है? नाउ फर्स्ट जो लक्ष्मी है वो है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी मतलब जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, है ना? बोलते हैं ना लक्ष्मी बड़ी चंचल है, पर ना पहले जमाने का अगर लक्ष्मी आप देखो, ये क्या हो गया, कहीं कोई कुछ कर रहा है, तो पहले जमाने का अगर आप लक्ष्मी का फोटो देखोगे तो लक्ष्मी खड़ी होके मिलती है ना, पुराने लक्ष्मियां खड़ी होके ही मिलेंगी, कोई बिठाता नहीं था पहले। आपको पता है, सबको पता होगा क्यों, स्पेशली हम लड़कियों को तो पता ही होगा क्यों, क्योंकि लक्ष्मी जो है चंचल होती है, चलती रहती है, वो एक जगह टिकती नहीं है। बट आजकल के नए जनरेशन उसको भी टिकाना चाहते हैं बट वो होता नहीं है, इसीलिए उसको बिठा के फोटो लेते हैं, है ना? सो आदि लक्ष्मी का क्या है, ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई एंडिंग पॉइंट है। फिर आती है धान्य लक्ष्मी, धान्य धनम पशु पुत्र लाभम करके हम लोग आशीर्वाद देते हैं। धान्य मतलब खाना, फूड, ग्रेन, किचन, पहले पेट, और हमारे हिंदुस्तान में दूसरों को भी देने का रीति है ना? फिर धैर्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, स्कैन कीजिए आप लोगों के अंदर कितना फियर है, स्कैन योर फियर एनर्जी, स्कैन कीजिए, ऐसे ऐसे स्कैन कीजिए कितना फियर एनर्जी है, नॉर्मल फियर एनर्जी, मैं तो पर्टिकुलर फियर नहीं बोल रही, मैम वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रहा है, वेराइटीज। वैरायटीज हैं, जैसे किसी को ट्रैवलिंग का फियर है, किसी को घर से बाहर निकलने का फियर है, किसी को बच्चा ना कुछ हो जाए फियर है, फियर तो कितने तरीके के होते हैं, किसी को रात को अकेले में रहना फियर है। इसलिए बहुत वेराइटीज आ रहा है मैम, हाँ, लेयर्स लेयर्स आ रहा है। तुम्हें किस तरीके का फियर है वो उस पर डिपेंड करता है ना। हाँ बच्चे के बारे में। हाँ, और भाई के बारे में, है ना? यस मैम, हाँ, चार चार वेरिटीज फियर्स आ रहा है। फियर इज आई मीन जब हम पैदा होते हैं ना तो पांच इमोशंस लेके पैदा होते हैं, वो ह्यूमन नेचर है। अगर फियर ना हो, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई का फियर ना हो तो पढ़ाई नहीं करेगा, वो फियर भी जरूरी है ना? अगर डरोगे नहीं तो काम कैसे करोगे? गजलक्ष्मी इज फॉर स्ट्रेंथ, गजम, गज मतलब एलिफेंट, एलिफेंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, एलिफेंट एनिमल स्पिरिट्स रिप्रेजेंट्स योर स्ट्रेंथ, है ना? तो स्कैन, आपका स्ट्रेंथ कितना है?
व्हाट इज योर स्ट्रेंथ स्कैन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ आपको पता होगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ 89%. सो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ इन दैट 89% कॉन्फिडेंस स्ट्रांग गुड विल पावर. विल पावर नाम देंगे क्या हम स्ट्रेंथ में? कुछ विशेष नाम देंगे स्कैन में? स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ अगर हम स्कैन कर रहे हैं तो उसमें कुछ विशेष नाम देंगे क्या? कौन सी नहीं मैंने सिर्फ देखो मेरा जैसे अभी जानवी का कॉन्फिडेंस है. माय पावर इज इंट्यूशन ठीक है. माय स्ट्रेंथ इज दैट आपका मेंटली क्या है. हाँ आपका मुझे नहीं पता क्या है. तो आप जब स्कैन क्योंकि आपको आपके बारे में सबसे ज्यादा पता है आप स्कैन कीजिएगा कि आपका इनर स्ट्रेंथ क्या है. आपको पता है ना आप किस में बहुत अच्छे हो वो स्कैन कीजिए वो कितना है. सेवेंटी एट परसेंट 90 तक का है. है ओके ठीक है. संतान लक्ष्मी अगर आप लोग किसी को जानते हो जिनका प्रॉब्लम हो रहा है ये संतान रिलेटेड तो उनको स्कैन करके देखिए उनके अंदर वो लक्ष्मी है या नहीं है. मैम अगर किसी में हो ही ना मैम तो उसको बच्चा नहीं मैम मिलेगा. हाँ जी एक केस है मेरे पास जिसमें दोनों को ही यानी प्रॉब्लम है. और लेकिन मैंने अभी दोनों का किया तो उसमें संतान लक्ष्मी का एनर्जी आ रही है, 50% आ रही है. लेकिन उसका जैसे है तो उसका चांसेस ही नहीं है नील काउंट होने की वजह से. तो फिर उसमें हम 50% है बट हाँ हो सकता है वो 50% देखो एक होता है फर्टिलिटी काउंट है ना स्पर्म काउंट. एक हाँ होता है यूट्रस की शक्ति लाइक लड़कियों में स्पर्म काउंट एंड फर्टिलिटी काउंट दो चीज होती है. जब दो क्रोमोसोम मिलते हैं तभी वो पूरा फॉर्म हो सकता है साइंटिफिकली. हाँ तो वो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग हो रहा हो पर वो फॉर्म ना हो रहा हो. यानी दोनों में 50-50 दिख रहा है. हाँ तो वो बच्चा है. नहीं ना बच्चा नहीं होने की चांसेस भी नहीं है हाँ वो लेकिन फॉर्मेशन नहीं है ना. हाँ यानी काउंट ही नहीं है ना नील काउंट होने की वजह से. देखिए देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम सब में है हाँ स्पर्म उनमें भी है फर्टिलिटी हम में भी है पर उस काउंट में सब सारा जो खेल है वो काउंट का है एक बच्चा फॉर्म होने का है ना. तो 50% शक्ति होगा 50% नहीं होगा इसीलिए वो प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी. नहीं, उनमें जैसे है तो वो स्पर्म काउंट भी नील है तो यानी और होने की संभावना ही नहीं है. लेकिन उनमें स्कैन करने पे दिख रहा है वो हाँ तो वो तो बच्चा नहीं फैमिली है. फैमिली में है ना. अच्छा हाँ फैमिली का है, फैमिली में तो है. हाँ हाँ अच्छा फैमिली अच्छा के साथ लक्ष्मी आएगी ना वैसे भी हाँ. है ना. ओके नेक्स्ट इज विजय लक्ष्मी विक्ट्री. ये जो विक्ट्री वाली लक्ष्मी है दिस कैन बी यूज्ड इन लाइक कोर्ट केस किसी तरीके का विनिंग थिंग प्रोजेक्ट या कुछ भी ऐसा. तो किसी का आपका है ऐसा कोई प्रॉब्लम तो आप कॉम्पिटिशन स्कैन
हाँ जी कंपटीशन के लिए हाँ वही जैसे वही मैंने वही 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 कंपटीशन यस करेक्ट डाला है कंपटीशन के लिए, जैसे एक चित्रकार है बहुत हाँ अच्छे, उन्होंने डाले हैं, हाँ वो हमेशा डालते हैं पर उनको नहीं मिलता वो प्राइस, लेकिन है बहुत अच्छे चित्रकार हो, तो अभी उनके लिए स्कैन करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ हाँ स्कैन करके हमें भी बताइए कितना है। हाँ लक्ष्मी का नाम क्या बताया? विजय विजय लक्ष्मी लक्ष्मी। ओके हाँ 65 70 तक आ रही है, ठीक है हो जाएगा। नेशनल लेवल पे डाला है उन्होंने। ये विजयलक्ष्मी रिलेशनशिप में भी बड़ा काम आता है, अगर ज्यादा हो तो प्रॉब्लम, हार्मनी हो तो ठीक है ना। विद्यालक्ष्मी पढ़ाई का, किसी को स्कैन करना है अपने बच्चों का, किसी का बच्चा है छोटा जिसको पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो तो कर सकते हो आप। एकदम छोटे बच्चे का करेंगे, 3 साल के? नहीं अरे नहीं नहीं उसको कहा इयर्स 10 इयर्स। हाँ हाँ कर लो, आजकल तो सब कोई पढ़, देखो स्कूल में डालते ही पढ़ना तो है, चाहे वो नर्सरी का हो कुछ भी हो, करके देख लो। कम से कम कितनी है ये तो देखेंगे। हाँ देखने में क्या जा रहा है, स्कैन ही तो कर रहे हो, उसने तो पढ़ना तो है ही। मैम दोनों को स्कैन किया, दोनों को भी इंटरेस्ट नहीं है मैम। कौन से ट्वेंटी दोनों, 30% आ रहा है, कौन से दोनों? मेरा भाई का बेटा और मेरा बेटा। वैसे पढ़ते हैं? नहीं मेरा बेटा नहीं पढ़ता, मेरा भाई का बेटा थोड़ा बेटर है। अच्छा मैंने किया, उसमें आ हाँ रही है, 3 साल का है उसके लिए किया, वो ठीक आ रहा है, है। हम अच्छी ये आ रही है, रिवर्स नाइन्टी करने का फाइव बताए, उनको इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने के नाइन्टी लिए, फाइव क्या तक के आ रही है उसमें एनर्जी। ठीक है। अरे दिवाली लाइटिंग लगा रहे हैं, मैं मेडिटेशन कैसे कराऊंगी? भगवान विद्या लक्ष्मी, नेक्स्ट इज अष्ट लक्ष्मी। नाउ ऑल दीज लक्ष्मी कंबाइंड मैम विद्या इज लक्ष्मी का बच्चों का कैसा करना है पता है मैम? हाँ? मेरा अभी कराऊंगी मैं, सब लक्ष्मी का कराऊंगी, ये भगवान करे कि ये बंद हो जाए। दिवाली लड़ी लगा रहे हैं अपार्टमेंट वाले। हाँ ऐश्वर्य अष्टलक्ष्मी हो गया, ऐश्वर्य लक्ष्मी, ऐश्वर्यम, यू नो व्हाट इज ऐश्वर्यम? नॉट नॉट ओनली पैसा। आपको पता है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करा रही हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और बहुत लोग होंगे मुझे पता है, बट देन ऐश्वर्य लक्ष्मी मतलब एंजॉयमेंट, द टेस्ट ऑफ लाइफ। यू नो बहुत अमीर लोगों को देखा है हमने जिनको लाइफ एंजॉय करना नहीं आता, या मे बी उनका एंजॉयमेंट का तरीका अलग हो और हमें नहीं पता। ओके दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ ऑल्सो, दैट माइट बी देयर एंजॉयमेंट। लाइक मैंने देखा है अमीर, बट देन इतना भी वो नहीं है कि एक इडली बैटर वगैरह जो बनाते हैं मिक्सी तक नहीं रखते हैं वो लोग, यू नो हाथ से पीसना ऐसे सब। सो जहां पे शुक्र वीनस ठीक से नहीं बैठता है ना, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन बेसिकली, ठीक है? या तो वो बहुत ज्यादा शॉपिंग करेगा, अनवांटेड शॉपिंग करेगा, सोचते हुए कि ये है मेरी एंजॉयमेंट, ये मेरा लाइफ का वो है करके, या वो ऐसा लाइफ जिएगा पैसा होते हुए भी। दिस इज नोन एज टेस्ट ऑफ लाइफ। बहुत लोगों को हैप्पीनेस क्या है नहीं पता है,
दे डोंट नो व्हाट इज एंजॉयमेंट, दे डोंट नो व्हाट इज जॉय. नाउ जॉय इज द ओनली इमोशन विच कम्स फ्रॉम द योर हायर बीइंग. हैप्पीनेस आप कर लेते हो, बट जॉय, जॉय जिसको बोलते हैं ना, वो एक बहुत ही अलग फीलिंग है जो आपको आपका हायर सेल्फ देता है. इट्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर यू कि अच्छा आपने ये काम अच्छा किया, चलो आज मैं तुम्हें कैडबरीज खिला रहा हूँ. तो दैट इज लाइक अ जॉय. ओके, ऐश्वर्य लक्ष्मी कितने लोगों के अंदर कितना है स्कैन? मैम हम तो स्कैन करेंगे, लेकिन आप हमारा करिए ना, हमारा ठीक है नहीं है कैसे है। करूँ ना, मैं तो कर ही रही हूँ, मैं तो ग्रुप का कर रही हूँ. ये देखिए सारे ग्रुप का कर रही हूँ मैं. हर एक का भी मालूम हो जाए। क्या हो गया? अच्छा वो चली गई. है सबके अंदर, जिसके अंदर नहीं है वो भरना है. ओके